वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम ये जानेंगे कि मारपीट होने पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम ये जानेंगे कि मारपीट होने पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है या फिर दूसरे व्यक्ति को मामूली चोटें आती हैं, तो ऐसे में आईपीसी की सेक्शन 323 के तहत नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाती है। अब हम ये जानेंगे कि मारपीट के मामले में आईपीसी की कौन सी धाराएँ लगती हैं। आईपीसी की सेक्शन 323 साधारण मारपीट, सेक्शन 324 धारदार हथियार से, जैसे चाकू या फिर हथियार से व्यक्ति को घायल करना। आईपीसी की सेक्शन 325 हड्डी फ्रैक्चर, 326 अंग भंग करने पर और 307 हत्या की कोशिश करने पर लगाई जाती है। आईपीसी की सेक्शन 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास और 504 गाली गलौज करने पर लगाई जाती है। आईपीसी की सेक्शन 506 जान से मारने की धमकी देने पर लगाई जाती है। मारपीट के मामले में धाराएं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर घटाई या फिर बढ़ाई भी जा सकती हैं। मारपीट होने पर मेडिकल अवश्य करवाएं। अगर आपकी रिपोर्ट चोट के द्वारा नहीं लिखी गई है, तब आपको चाहिए कि आप अपना मेडिकल करवाएं। अगर मेडिकल में गंभीर चोटें होने पर भी पुलिस कई बार NCR दर्ज कर देती है, तो ऐसे में आप अपना मेडिकल ज़रूर करवाएं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मेडिकल बहुत बड़ा रोल निभाती है। मारपीट के दौरान जानलेवा चोट आने पर आईपीसी की सेक्शन 308 के तहत रिपोर्ट दर्ज होगी। तो आई होप दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि मारपीट होने पर कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं। तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।